नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। ओमिक्रोन पर शिवराज का बड़ा बयान, सीएम बोले जनवरी में आ सकता है तीसरी लहर का पीक, मंत्रियों को भी उतारा मैदान में। धर्मांतरण पर नहीं थम रहा बवाल, स्कूल में तोड़फोड़ पर हिंदू नेता नीलेश अग्रवाल की सफाई, जनता के मन में आक्रोश था, जो हुआ उसी का परिणाम। भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम ड्राफ्ट फाइनल, मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार, 2 से 3 दिन में जारी हो सकती है अधिसूचना। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 14 नए केस, भोपाल में सबसे ज्यादा 7 पॉजिटिव मिले, इसमें यूके और कनाडा से लौटे 2 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे। आईसीएमआर की रिपोर्ट, इंदौर सहित कई शहरों में जबलपुर भेजे गए थे सैंपल्स, अब डेंगू भी बदल रहा वेरिएंट, इंदौर में भी D2 और D3। भोपाल में धारा 144 के आदेश जारी, बिना अनुमति राजनीतिक कार्यक्रम जुलूस रैली नहीं कर सकेंगे, बारात में आतिशबाजी भी प्रतिबंधित, लाइसेंस हथियार जमा करने होंगे। ओमिक्रोन का खौफ, आगर मालवा में मोबाइल नंबर बदलकर 14,800 लोगों ने तीसरी बार लगवा लिए टीके। बुधवार को जारी है मेगा वैक्सीनेशन, छिंदवाड़ा में 200 केंद्रों में लग रहे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज, वार्डों में घर घर जाकर लगाए जा रहे टीके। इंदौर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2021 17 दिसंबर को शुभारंभ, इंजीनियरिंग ऑटोमेशन रोबोटिक मशीनरी का होगा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवा चली, रात का पारा 3.50 गिरा, 110 पर आया तापमान। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।